इसको इस तरह यहाँ शिफ्ट कर लें, फिर डायग्राम चीज है ना ये काम मिठे के लिए, क्योंकि आप इसे प्रेस कर लूँ फिर आपसे मिलता हूँ। ऐसे मौजूद है इसके ऊपर, इसको इस तरह करके यहाँ पे आगे इस टाइम इस तरह सुबह अल्लाह पेड़े पेड़े इस तरह आगे इसको इस तरह कटाई कर लें ऐसे 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 बारीक कटे हुए, ये इनके ऊपर इस तरीके से लगा देते हैं मिठाई वाले, क्योंकि उन्होंने तो डिस्प्ले दिखाना होता है, हमने आपको दिखाना है। चलो मैं क्या कह रही है पापा, इस तरीके से लगा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वेवर, मैं हूं शेफ रिजवान, आप देख रहे हैं बाबा फूड आरआर से। मिठाई की तरफ जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, हम आ रहे हैं आप सीखने वाले बने। सादा बर्फी की रेसिपी मैंने आपको दी, 2 दिन में 2 लाख से ज्यादा लोगों ने उसको पसंद किया और देखा, ठीक है। आज मैं आपको बेसन की बर्फी देने लगा हूं। बेसन की बर्फी किस तरीके से तैयार होती है, कुछ लोग इसको बेसन पाक भी कहते हैं, जो मिठाई के फील्ड के लोग हैं वो इसको बेसन पाक कहते हैं, मैं इसको बेसन की बर्फी का नाम दे रहा हूं। मुकम्मल गाइड करने वाला हूं, तवज्जो से देखिएगा। ये ले व्यूअर, ये 250 ग्राम बेसन, 1 पाव बेसन, 100 ग्राम मैदा, ये टोटल कितना हो गया 350 ग्राम। फार्मूला बेसिक जो है वो आपके जहन में रहे, 350 ग्राम जो वजन दोनों बन गया, और 350 ग्राम ही हमने लेना है घी। ये एक फार्मूला आपको बता दिया ताकि आपके जहन में रहे, आप भूलें ना। 250 ग्राम 100 ग्राम 350 ग्राम दोनों चीजें, ये मैदा है ये बेसन है, और ये है 350 ग्राम घी, ठीक हो गया। फ्लेम को ऑन कर दें, घी 350 ग्राम है शामिल कर दें, ठीक हो गया। इसमें डाल दिया, ये 1 पाव बेसन शामिल कर दें और 100 ग्राम मैदा शामिल कर दें, ठीक हो गया। और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं, इसको हमने कसाई की तरफ लेके जाना है, मकसद है कि बेसन को और मैदे को हमने भूनना है अच्छे तरीके से, ठीक है। ये 3 मिनट लगेंगे, 4 मिनट लगेंगे, 5 मिनट, जितना टाइम भी लगेगा मैं आपको मुकम्मल गाइड कर दूंगा। घी मेल्ट भी होता जाएगा और हम इसको भूनते भी जाएंगे। अगर आप समझें कि आपसे गुठली बनती है बेसन की या मैदे की, तो आप छान के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं इन ऐमी भून दवांगा, ठीक हो गया। ये देखें, ये कसाई की तरफ जा रहा है, मुझे 3 मिनट हुए इसको भूनते हुए, ठीक है। अब इसमें आप ये ना समझिएगा कि 350 ग्राम घी कम है, हमने खुद घी का फार्मूला इतना ही रखा है, इसको चलाते रहें। अब ये किस टाइम पे इसकी कसाई कंप्लीट होगी, बहुत प्यारी खुशबू इसकी आनी शुरू हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। लो फ्लेम पे हमने इसको 5 मिनट इसकी कसाई की, अब ये तैयार है। इसका चेक करने का तरीका ये है, पानी लें, थोड़ा छट्टा मारें, ये देखिए इस तरह आवाज अगर आपकी आने लग जाए तो समझें कि आपका बेसन तैयार हो गया। फ्लेम को बंद कर दें, ठीक हो गया। फ्लेम को हमने बंद कर दिया, आपको इसकी निशानी बता दें किस तरीके से ये जो आवाज देगा बेसन साउंड आएगा, तो ये तैयार हो गया। असल में शोर होता है खुरपों का, कड़छों का, ये मेरे पास जर्दा कलर था, ये मैंने तकरीबन थोड़े से पानी में घोल के रख लिया, ये सारा हम इसमें नहीं डालेंगे, आहिस्ता आहिस्ता हम इसमें मिलाएंगे, जितना कलर हमें चाहिए होगा हम आपको बता देंगे। ये देखें, ये तकरीबन 1/2 टीस्पून मैंने मिक्स किया था ये 2 ग्रुप में, ये देखें थोड़ा सा और डाल दें, ये देखें, ये देखें, हाय हाय हाय, कुछ चीज़ बनेगी, आप कहेंगे मक्खन तैयार हो गया ना, थोड़ा सा और डाल दें इसमें, ये देखें बस ये कलर हमें चाहिए। ये 2 घूंट पानी के थे और 1/2 टीस्पून जर्दे का कलर था, बस इतना सा बचा है मैंने, देखो बकाया मैंने लगा दिया, ठीक हो गया। अब इसको हम साइड करने लगे हैं, अगले प्रोसेस की तरफ आते हैं। ये जो मैंने आपको फार्मूला बताया था बेसन की बर्फी का, उसमें 250 ग्राम था बेसन, 100 ग्राम मैदा, ये दोनों मिलके 350 ग्राम हो गए, 350 ग्राम हो गया इसके अंदर, अल्लाह आपका भला करे कि घी, ठीक हो गया। हमने इसका ये फार्मूला आपको बता दिया। अब इसके अंदर जो है ना, अगर आप कमर्शियल लेवल पे बना रहे हैं या आपने सेल करना है, तो आप 1000 ग्राम चीनी डालेंगे, 1 किलो चीनी, ठीक है। मैंने 800 ग्राम चीनी लिया, ये बात आपके जहन में रहे। ये इसमें डाल दें 1 किलो चीनी, 200 ml पानी, 200 ml वाटर, ठीक है, ये शामिल कर दें। हमने शीरा बनाना है गाढ़ा, इसका फ्लेम को ऑन कर दें और इसको चीनी को मेल्ट होने दें। हमें गाढ़ा शीरा चाहिए था, हमें तकरीबन इसको इस तरह पकाते हुए ना मीडियम फ्लेम पे 4 से 5 मिनट लगे इस टाइम पे आके। 1 घूंट पानी है मेरे पास, कैमरामैन दिखा सके तो 1 घूंट, और ये 2 चुटकी क्रीम टाटरी है, ये देखिए क्रीम टाटरी मिठाई वाले इस्तेमाल करते हैं शाइनिंग के लिए डलती है। पानी में मिक्स कर लें, इसको अच्छे तरीके से घोल लें, ठीक हो गया। ये मिक्स करके डालना है आपने, और ये शीरे में डाल दें। शीरे में जब आपने इसको डाल दिया, ये सब्ज़ इलायची तकरीबन 3 से 4 अदद, ये इस तरीके से ये सब्ज़ इलायची डाल दें और इसको फ्लेम को बंद कर दें बस। अब इसको थोड़ा सा इसका जोश ठंडा कर लें, फिर आपसे मिलते हैं। 2-3 मिनट मैंने ना इसकी ऐसे जो गुरमाइश थी, जोश था, वो निकाल लिया, बस गर्म है शीरा, ये बात जहन में रहे। अब आप शीरे को इसमें डाल दें या ये उसमें डाल दें, एक ही बात है, ठीक हो गया।
अब अगर मैं इसकी हिस्ट्री की तरफ जाऊं, इधर करो मेरे मुंह की तरफ कैमरा, अगर मैं इसकी हिस्ट्री की तरफ जाऊं, बेसन बर्फी या बेसन पाक ये बहुत पुराना आइटम है, जैसे कि मोतीचूर का लड्डू जो है वो बहुत पुराने आइटम है, मेसू बहुत पुराना आइटम है, पतीसा बहुत पुराना आइटम है, घेवर बहुत पुराना आइटम है, कुछ मिठाई के आइटम ऐसे हैं जो बहुत पुराने हैं, जदीद नहीं, अब तो नए नए निकल आए, बहुत जदीद जदीद नाम है, तमाम आपको सिखाऊंगा, आप टेंशन ना लिया करें। अल्हम्दुलिल्लाह, ये चीनी का शीरा उठाना है आपने, ये चम्मच इसमें से निकालते हैं हम, क्योंकि हमारे पास मुसद्दी वगैरह नहीं है, ये शीरा इसमें डाल दें और इसको इस तरह मिक्स कर देना, इस तरीके से मिक्स करते रहेंगे मुसद्दी की तरह, इस तरीके से ठीक है, जिस तरह मुसद्दी मारते हैं मिठाई वाले, इसको इस तरीके से शीरा उसमें डाल लें। हाँ, ये इसमें डाल दिया, कढ़ाई बड़ी थी इसलिए मैंने ये इसमें डाल दिया, ठीक हो गया, इसको इस तरीके से घुमाते रहें, इस तरीके से देखें, इस तरीके से अगर कैमरामैन दिखा सके, मुसद्दी होती तो फिर हम इसको घोट लेते हैं ऐसे अच्छे अच्छे तरीके से, इसको मिक्स करते रहें और इस तरीके से घोटते रहें, तकरीबन 3 से 4 मिनट में इसको इस तरीके कंडीशन में करूँगा, फिर आपसे मिलता हूँ। यानी जिस तरीके से मैं इसको मुसद्दी की शक्ल में वो करता रहा, इस कंडीशन में आ गए तकरीबन 4 से 5 मिनट मुझे लगे, ये गर्म है लेकिन जान में आती गई, इस तरह का सांचा ले लिया, बटर पेपर लगा दिया और इसको ग्रीस कर दिया, ठीक है, ऑयल से। अगर कुछ लोगों से ये बर्फी ना संभले बेसन की, तो इसके अंदर आपने चीनी को मजीद लेके मजीद चीनी को बढ़ाना है आपने, फिर ये आपसे सेटिंग में आ जाएगी, ठीक हो गया। अब मैं अगर एक तफसील में जाके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ तो वीडियो जो है ना ये बड़ी हो जाती है। ये देखें, इसको इस तरह यहाँ शिफ्ट कर लें, फिर आपने दोबारा से शीरा बनाना है, थोड़ा सा शीरा बना के फिर आपने उसको इसके अंदर टाइट करके चीनी को, क्योंकि चीनी ने इसको जान में लेके आना है, ये बात आपके जहन में रहे। 80 से 100 ग्राम चीनी, हाँ तकरीबन 100 से 150 ग्राम चीनी का मजीद आप उसको जो है ना शीरा तैयार करके इसके अंदर डालेंगे तो ये दोबारा से जान में आ जाएगी, ठीक हो गया। वैसे इसके अंदर 1 किलो चीनी जाती है, ये बात जहन में रहे। हमने 800 ग्राम डाली है कम मीठे के लिए, क्योंकि हम सेल के लिए नहीं बना रहे, ठीक हो गया। ये इसमें डाल दें और ये इसको ऐसे डाल दें, ऐसे ले आए, ऐसे ले आए इसको अच्छे तरीके से। हमारे पास तो अब औजार भी नहीं है भाई मिठाइयाँ ले, ये ऐसे इसको ले आए। अब इसको यहाँ पे ला के इसको हल्का सा ऐसे, और इसको इसकी मदद से इसको पूरा तरीके से प्रेस कर ले, मैं प्रेस कर लूँ फिर आपसे मिलता हूँ ऐसे। ये नहीं, और मैंने अच्छे तरीके से इसको सांचे में प्रेस कर दिया। अब मैं इसको रात भर के लिए रूम टेम्परेचर पे छोड़ने लगा हूँ। सुबह आप किसकी फाइनल लुक दिखाऊंगा, काट के भी दिखाऊंगा, फ्रिज में नहीं दब देनी, रूम टेम्परेचर पे छोड़ दे रात के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह रात भर के लिए छोड़ दिया था, सुबह हो गई है। आप किसी भी हार्ड चीज पे या शेल्फ पे, किचन की वर्किंग टेबल पे, कटर बोर्ड पे कर सकते हैं। मेरे पास ये थाल मौजूद है, इसके ऊपर इसको इस तरह करके ऐसे निकाल लेना आपने। सुभान अल्लाह, मक्खन बन गए, मक्खन बन गए। ये नहीं भाई, इसको यहाँ पे आके इस टाइम इस तरह, सुभान अल्लाह, पेड़े पेड़े, ये देखें इस तरह आके इसको इस तरह कटाई कर लें। ये उल्टी कटाई होगी, ठीक है, इसको सीधा नहीं करना अब आपने इसी कंडीशन में ऐसे, सुभान अल्लाह। ऐ देखो, पोठ दियाँ बोटियाँ बांट रही हैं, ये खस्ता होती है इसलिए ध्यान से एहतियात से आपने काटनी है, ठीक है। ऐसे 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 ऐसे, ठीक हो, इसको ऐसे लगाएं। अब वो तो थालियों में लगाते हैं मिठाई वाले, हम अब हमने यहाँ पे आपको दिखाना है सिर्फ, ये देखें इसकी लुक वाइज कितनी खूबसूरत बनी है, पेड़े बन गए हैं बस, ये देखें इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह ऐसे ऐसे ऐसे, मक्खन मलाइया पेड़े बर्फी लड्डू जम, ठीक हो गया। इस तरह ला दो इन्हों, ये सारी मैं काट के इस तरह लगा लूँ, फिर आपको इसकी फाइनल लुक दिखाता हूँ। ये नहीं भाई, इस तरीके से हमने कटाई कर ली माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट, बहुत ज़बरदस्त लुक इस टाइम पे आके। ये पिस्ता और बादाम बारीक कटे हुए, ये इनके ऊपर इस तरीके से लगा देते हैं मिठाई वाले, वो तो डिश लगाते हैं पूरी, बात समझ आ रही है आपको, क्योंकि उन्होंने तो डिस्प्ले दिखाना होता है, हमने आपको दिखाना है। गल नू मेरे समझ लिया करो, मैं की कह रही है बाबा, इस तरीके से लगा लें, सीखें, कारोबार करें, दुआओं में याद रखें। कंप्लीट मेरे इलाके के हिसाब से जो इसका रेट है वो 400 रुपये केजी है। मुकम्मल गाइड कर दिया बेसन वाली बर्फी किस तरीके से तैयार होती है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी बेसन वाली बर्फी जो मैंने आपको बताई है ट्राई करें, कमेंट बॉक्स में मुझको बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, फेसबुक पर हमारा पेज है उसको लाइक किया करें, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो किया करें, शेयर किया करें रेसिपियों को। जितना आप शेयर करेंगे किसी बेरोजगार अफराद तक मेरा पैगाम पहुँचेगा। दुआओं में याद रखा करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।